मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, आपके राज में आपकी एक बहन और चार भांजियां न्याय चाहती हैं। दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उन्हें खेत तक नहीं जोतने दिया जा रहा। 4 साल से ये हर जगह अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या आप अपनी बहन और भांजियों की मदद कर पाएंगे या दबंगों के आगे आपकी सरकार भी नतमस्तक नजर आएगी? एमपी के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की महिलाओं और बेटियों को लेकर काफी गंभीर होने का दावा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले 4 सालों से एक महिला और उसकी 4 बच्चियां न्याय पाने के लिए भटक रही हैं। छतरपुर जिले के ग्राम बरेठी में विधवा महिला विमलेश राजा की सिंचित जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसके कारण विधवा महिला विमलेश राजा अपनी नाबालिग बेटियों को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट कर न्याय की गुहार लगा रही हैं, मगर उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब ये पीड़ित महिला अपनी बेटियों को लेकर एसपी कार्यालय पहुंची और एसपी सचिन शर्मा को शिकायती आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई। साथ ही मीडिया के माध्यम से प्रदेश की बेटियों के मामा और महिलाओं के भाई कहे जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि मेरी मदद करो भैया शिवराज। 4 साल से हमारे पति एक सवार हो गए हैं, 4 साल से परेशान हैं, 4 साल से बराबर शिकायत करते हैं और हम गांव में जमीन पड़ी है 4 साल से खेती नहीं कर पा रहे हैं। गुंडागिरी दिखाते हैं वहाँ के लोग, ये ही बोलते हैं कि गुंडागिरी में ज़्यादा ताकत है, कानून में ताकत नहीं है। इसलिए हम शिवराज सिंह अपने भाई से निवेदन है कि हमको न्याय दें, अपनी चारों बेटी में चारों बेटियाँ हैं इनकी रक्षा करें, इनको न्याय मिले। यहाँ नए एसपी सर आए हैं, इनसे निवेदन है कि ये भी हमारा साथ दें, 4 साल से हम बराबर परेशान हो रहे हैं, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। 4 साल से अधिकारियों से बात की है, 4 साल से हम बराबर आते हैं, वहाँ बमीठा थाने में शिकायत की, यहाँ पे भी की, इस बार नए एसपी सर के पास आए हैं, उनसे निवेदन है कि सच्चाई का साथ दें। मामा शिवराज सिंह से भी यही निवेदन है, हमें हमारे भाई इन भाइयों की अपनी भांजों की रक्षा करें, साथ में हमारा सहयोग दें। मेरी परेशानी है कि मेरी जो ज़मीन है वो मुझे जोतने नहीं दे रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। मेरे चाचा जी वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर उनको मारपीट की और हम लोगों ने केस दर्ज, थाने में कोई सुन नहीं रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मेरे पापा 4 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, तो हमारी 4 बहनें हैं, हम लोगों ने सुनाया निकल कोई सुनता ही नहीं है। पीड़ित महिला का कहना है कि जंग बहादुर सिंह, राम राजा सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, आशीष प्रताप सिंह, रणधीर सिंह से मेरी जमीन को मुक्त कराए ताकि उससे होने वाली आमदनी से बेटियों का भरण पोषण हो सके। विमलेश राजा की 4 एकड़ खेती की जमीन है, जिस पर उनके पति रविंद्र पाल सिंह परमार खेती किया करते थे, मगर 4 साल पहले बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई और खेती की जमीन पर विमलेश राजा द्वारा खेती करने का प्रयास किया गया, मगर परिवार के कुछ लोगों द्वारा विरोध करते हुए कब्जा कर लिया गया। उधर एसपी को शिकायती आवेदन देने के बाद उसे एक बार फिर आश्वासन मिला है कि जल्द ही खेती की जमीन से कब्जा मुक्त कराया जाएगा और जिनके द्वारा विवाद उत्पन्न किया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना बमीटा अंतर्गत जमीन संबंधी शिकायत आज मुझे प्राप्त हुआ था। सभी जो संबंधित अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दे दिया गया है कि जो विधि अनुसार कार्रवाई है वो करें, और अगर कोई विधि विरुद्ध जाके परेशान करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।